हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर इंग्लिश क्लास। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, टुडे आर इंग्लिश लैंग क्लास। ओके, इन दिस क्लास एज यू नो दैट योर इंग्लिश लैंग सिलेबस हैज कंप्लीटेड नाउ। नाउ दिस इज योर रिवीजन वर्कशीट। What is this? This is your revision worksheet. So today I gave you some different type of questions regarding your revision. Okay, so the first question is, underline the describing words in the sentence given below. So you, what you will do in this question, you will see here are some sentences given below. You will underline the describing words. I earlier was explained you what are describing words. If you learn that, you have remembered, hai na? So what are describing words? Once I will explain you what are describing words. स्टूडेंट्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और पहले भी मैंने आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ओके, they are called describing words and also known as adjectives. Includes words of numbers, colors, size, shapes are some describing words. So students, मतलब ऐसे words जो किसी person की या animal की, place की, thing की, ऐसे words जो किसी पर्सन मीन्स हम लोग, इन जो हम पर्सन्स हैं, इंसान हैं, ठीक है, उनकी, एनिमल्स, प्लेस, है ना, और थिंग्स के की क्वालिटीज़, है ना, के बारे में बताता है। उन क्वालिटीज़ में क्या आता है? उन क्वालिटीज़ में आ जाएंगे उनके नंबर्स, कलर्स, शेप, साइज़, ये सब कुछ जो है उनकी क्वालिटीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लाइक अगर हमारे पास एक एप्पल है और हम एप्पल को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हम एप्पल के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं। डिस्क्राइब करना मींस बताना, मोर मतलब समथिंग मोर से अबाउट टू वन थिंग। लाइक अगर आई हैव वन एप्पल, तो सो व्हाट कैन आई से अबाउट द एप्पल्स? आई कैन से लाइक apple is red in color, so and it is sweet in taste and it is round in shape, hai na, and these are some describing words. Here are describing words in this lines. Describing words are like in first line, apple is red in color, so red is describing word. It is sweet in taste, so sweet is describing word. And next one is, it is round in shape, so round is describing word. मतलब जो एक apple की के बारे में हमें बता रहा है, उसमें हमें उसका color भी बताया, उसकी हमें shape भी बताई और उसका हमने टेस्ट भी बताया, तो ये हो गया डिस्क्राइबिंग। तो हमने उसके बारे में डिस्क्राइब किया, हमने उसे एक्सप्लेन किया कि वो क्या है और कैसा है और उसका टेस्ट कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, तो इसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो सेम अब देखिए, पर्सन के बारे में भी ऐसा ही है। अगर कोई पर्सन है तो हम उसके नेचर के बारे में बताएंगे, हम उसके कलर के बारे में बताएंगे, हम उसके लाइक्स के बारे में बताएंगे कि वो क्या लाइक करता है, है ना, और उसके पास जो जो चीज़ें हैं वो किस तरह की हैं, किस कलर की हैं,
तो ये सब कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज़ अ रिविजन वर्कशीट, तो आई विल नॉट डू दिस इन फ्रंट ऑफ यू. यू विल डू इट योर सेल्फ. आई विल ओनली एक्सप्लेन यू वट यू विल डू इन द रिविजन वर्कशीट. ओके, सो फर्स्ट हेयर इज सीता. सीता इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो सीता क्या है? सीता इज अ पर्सन. इट्स कॉल्ड अ नाउन. सीता क्या हो गई? नाउन. एंड इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. और सीता है मतलब एक लड़की है, तो यहाँ पर गर्ल लिखा है. और अब उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे इस तरह से. फर्स्ट आई विल डू फॉर यू लाइक दिस, यू विल अंडरलाइन दिस. ओके, देन नेक्स्ट इज शी इज वेरी इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. तो सीता जो है वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है, और वो क्या है? वेरी. वेरी मीन्स बहुत इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब समझदार, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, है ना. तो ये क्वालिटी है. इंटेलिजेंट क्या हो गई? उसकी क्वालिटी लाइक दिस, है ना. देन शी वियर्स अ पिंक फ्रॉक. और उसने कैसी फ्रॉक पहनी है? शी वियर्स मतलब पहनी है अ पिंक फ्रॉक. तो पिंक क्या हो गया? क्वालिटी हो गई किसकी? फ्रॉक की. तो पिंक इज द क्वालिटी ऑफ अ फ्रॉक. ठीक है, तो पिंक फ्रॉक. ओके, पिंक इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो शी हैज़ अ रेड अम्ब्रेला. सो द what is the describing word in this sentence? She has a red umbrella. She has an umbrella and the color of that umbrella is red. So red is the quality of umbrella. Okay, now she likes soft toys. She likes toys, but what type of toys? Usko toys acche lagte hain, lekin kaun se toys? Soft toys. To ye kya ho gayi? Quality ho gayi soft toys ki. Theek hai. एंड शी लव्स टू प्ले विद मी. और उसको क्या अच्छा लगता है? लव्स. शी लव्स टू प्ले विद मी. उसे मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है. ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ये थे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जिनको आपको अंडरलाइन करना है. स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू कि हाउ कैन अ क्वेश्चन कम इन योर क्वेश्चन पेपर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन पेपर में आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ताकि जो है आपको उसमें पता चले कि आपको कहाँ अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है. जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा तो रिगार्डिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो आप उसे तभी कर पाएंगे जब आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में कम्प्लीटली पता होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज. So this question is regarding your action words. So if you remember what are the action words, so I will explain you what are the expression words. Expression words are the words that describe the action or expression of a person or an animal is called action words और डूइंग वर्ड्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स. आपको डूइंग वर्ड्स से भी पता चल रहा होगा, डूइंग मीन्स करना. ठीक है, एक्शन मीन्स जो हम क्रिया. एक्शन आपको पता है कि क्या होता है? करना, जिसको बोलते हैं हम कुछ कर रहे हैं. तो ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन के या एनिमल के एक्शन को और उसके एक्सप्रेशंस
एक्सप्रेशंस मीन्स, जिससे हमें किसी को देख के पता चलता है, अगर कोई अगर आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप कैसे होंगे, सैड होंगे, तो आपको देख के एकदम पता चलेगा कि इस बच्चे का जो है वो ये सैड है, इसका मूड खराब है, ठीक है। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो आप कैसे होंगे, आप हैप्पी होंगे, तो आपको देख के एकदम से आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, हैप्पी, तो उसे देख के सबको पता चल जाएगा कि आप क्या हो, हैप्पी हो, ठीक है। तो वो हो गया एक्सप्रेशंस। और एक्शन क्या हो गए, जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो जो प्ले कर जो आप ग्राउंड में प्ले कर रहे हो उसे, वो हो गया आपका एक्शन, ठीक है। अगर आप राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो राइट क्या हो गया आपका एक्शन। अगर आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो रीडिंग इज़ योर एक्शन। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू विल डू, यू विल सर्कल द एक्शन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज। सो हेयर आर सम सेंटेंसेज, यू विल सी व्हाट इज़ द एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड, और यू कैन कॉल वर्ब इन दीज सेंटेंसेज। सो यू विल सर्कल दैट, लाइक द बॉयज़ फाइट, द बॉयज़, बॉयज़ क्या कर रहे हैं, फाइट, फाइट क्या हो गया, फाइट में वो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं ना, तो दैट इज देयर एक्शन, सो फाइट इज द एक्शन वर्ड, सो वी विल सर्कल इट लाइक दिस, ओके। नाउ बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स जो हैं वो क्या नेस्ट क्या बना रहे हैं, घोंसले, तो वो काम कर रहे हैं ना, दे आर डूइंग समथिंग, तो वो नेस्ट बना रहे हैं, तो बिल्ड क्या हो गया आपका एक्शन वर्ड, ओके। देन अ हॉर्स रन्स फास्ट, अ हॉर्स, हॉर्स है और वो रन, रन क्या हो गया, दौड़ना, तो यानी कि उसकी बॉडी क्या है, वो एक्शन कर रही है, तो और वो रन फास्ट, तो रन्स क्या हो गया एक्शन वर्ड, ओके। डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर क्या होते हैं, अजनबी, ठीक है, तो डॉग जो है वो अजनबियों पे बार्क मीन्स भौंकता है, तो बार्क क्या है, डॉग का एक्शन, डॉग वो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, बार्क जब वो किसी स्ट्रेंजर पे भौंक रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी, एंड बार्क क्या है उसका एक्शन, बार्क इज द एक्शन और यू कैन कॉल एक्सप्रेशन, ओके। सो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, एज यू टोल्ड यू अर्लियर राइट नाउ कि प्ले क्या होता है, एक्शन, जब आप खेल रहे होते हो तो आपको एक सीधे एकदम खड़े तो नहीं हो ना, आप मूव कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन, तो प्ले इज योर एक्शन, ओके। तो दीज आर सम एक्शन वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन टेलिंग यू दैट दिस इज ओनली अ रिविजन वर्कशीट, डोंट थिंक दैट सेम क्वेश्चन विल बी, मतलब सेम टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी कम इन एग्जाम्स, क्वेश्चन मे बी द सेम बट द सेंटेंसेस दैट विल बी द डिफर, ओके। मतलब आपको क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, लेकिन उसके अंदर जो ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर रिविजन एंड फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक टू न्यू वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, दिस इज अ एक्टिविटी बेस्ड समथिंग क्वेश्चन, लाइक यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो वर्ड्स लिखे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने हैं, यहाँ पर जो है जो ये वर्ड हैं वो दो दो वर्ड से मिलकर बने हैं, हम उन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करेंगे, उनसे हम टू न्यू वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट इज स्कूल बॉय, अब देखो स्कूल भी अलग वर्ड है और बॉय भी अलग है, लेकिन जो बच्चा स्कूल जाता है उसको बोलते हैं स्कूल बॉय, तो इसलिए अब हम इसमें हमें टू वर्ड्स मिलेंगे, फर्स्ट इज स्कूल एंड सेकंड इज बॉय, स्कूल बॉय, देन नेक्स्ट इज ब एट बेड, र उ म रूम, बेड रूम, तो अब देखिए बेड इज अ डिफर वर्ड एंड रूम इज अ डिफर वर्ड, बट जब इसे एक साथ मिलाते हैं तो बेडरूम हमारे सोने का कमरा बन जाता है, और अब हम इसके सेपरेट करेंगे दोनों वर्ड्स को, बेड
बेड मीन्स बिस्तर एंड रूम मीन्स कमरा। ठीक है, समझ में आ गया। और जब हम इनको एक साथ करते हैं तो ये बेडरूम का मीनिंग हो जाएगा सोने का कमरा, सोने वाला कमरा। ठीक है, नेक्स्ट इज नोट बुक। नोट, नोट ब उ क बुक, नोट बुक। अब देखिए इसमें नोट इज डिफरेंट वर्ड एंड बुक इज डिफरेंट, सो वी विल सेपरेट देम। नोट बुक, नोट बुक, नोट हो गया। जैसे कोई नोट मिलता है जो आपकी मनी रुपी होते हैं उसमें भी नोट होता है, 10 का नोट 20 का नोट, वो भी हो गया। और एक नोट होता है जैसे आपको कोई स्कूल से नोट नोटिस मिलता है तो उसको भी नोट बोलते हैं। और बुक आपकी बुक पढ़ने वाली बुक हो गई, है ना। तो ये देखिए इस तरह से ये टू, एक वर्ड से हमने टू वर्ड्स नए बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेम र एन, र एन रेन को ट कोट, रेन कोट। अब देखिए रेन कोट, रेन कोट बरसाती, जिस जिसे हम बारिश के दिनों में पहनते हैं बरसाती, रेन कोट। लेकिन अगर हम इसे डिफर टू, इससे हम टू डिफर वर्ड कौन से बनाएंगे, फर्स्ट इज रेन मींस बारिश एंड कोट, कोट आप सबको पता है कोट क्या होता है, है ना, कोट जो हम पहनते हैं। देन आफ्टर नून, आफ्टर नून, आफ्टर नून का मतलब हो गया दोपहर, है ना। तो अब देखिए इससे टू डिफरेंट वर्ड क्या बनेंगे, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में एंड नून मीन्स दिन, है ना, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हो गए। तो ये हो गया आफ्टर नून। इस तरह से आपको ये एक जो है वो थिंकिंग बेस्ड एक्टिविटी है, इसको आपको समझना है और करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको एग्ज़ाम में दूंगी फॉर योर नॉलेज, ओके, टू सीक योर नॉलेज, ओके। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड और द। स्टूडेंट इस आपको, आपने फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको ए एंड और द का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि ए कहाँ पर यूज़ होता है, एन कहाँ पर यूज़ होता है और द कहाँ यूज़ होता है। फॉर अ रिविज़न आई टेल यू अगेन, ए इज़ यूज विद अ विद सॉरी एन इज़ यूज विद द वॉवल्स लाइक ए ई आई ओ यू, और एन इज यूज वेयर वी कैन लिसन द साउंड ऑफ वॉवल्स, जहाँ से हमें वॉवल की साउंड सुनाई देती है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, या जहाँ पर वॉवल्स का यूज़ होता है, जिस लेटर्स जिस वर्ड में के आगे वॉवल का यूज़ है उससे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, लाइक एन आंट, एन अम्ब्रेला, एन ईग्लू, एन आउल, एन आइसक्रीम, एन एग, इस तरह से, है ना, लाइक दिस। तो अब आप क्या करेंगे, और द जो है वो, द जो है वो स्पेशल थिंग्स के साथ यूज होता है, जो थिंग्स है जो वो वर्ड में बहुत स्पेशल हैं उनके साथ द यूज होता है। ठीक है, सो लुक एट द एक्सरसाइज, फर्स्ट इज आई लाइक टू ईट डैश एप्पल, एप्पल, ए, हेयर इज ए and before that dash, so a is here, a is a vowel, so what you will use, yes, good, an, okay, then shut, shut dash door of your room, shut, आपको मैम भी बोलती है ना कि जब हम मैम बोलती है shut the door, shut the door of your house, या shut the door, shut the door, the, जब shut, shut के लिए shut के साथ हमेशा the का यूज होता है, shut the door, shut, अगर door को shut करने के लिए बोला है तो उसके साथ हमेशा हम the का यूज करते हैं। ठीक है, next is I ate dash orange this
मॉर्निंग. सो ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज से पहले डैश है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओ, ओ इज अ वॉवल. तो वी विल यूज, व्हाट वी विल यूज, गुड, एन, यू आर राइट, इट्स एन, एन ऑरेंज. नाउ रीटा इज डैश प्रिटी गर्ल. नाउ व्हाट यू विल यूज, रीटा इज प्रिटी गर्ल है, कैसी, अ, एक है ना, रीटा इज एक है, तो इसको लिखेंगे रीटा इज अ प्रिटी गर्ल. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग फिलिंग द ब्लैंक्स रिगार्डिंग यूज ए एन और द. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैच द, मैच ईच एनिमल विद देयर, वेयर साउंड्स. स्टूडेंट्स, मैंने आपको एनिमल्स और एंड देयर साउंड्स भी लर्न करवाई हैं और करवाई हैं आपकी वर्कशीट में, तो आप उसे लर्न करेंगे तभी आप इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में जो भी आएगा वो आप कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको एनिमल साउंड मैच में ही आए, आपको फिलअप्स में भी आ सकती है, आपको लिखने के लिए भी आ सकती है, बट वो तभी आप कर पाओगे. यू कैन डू ओनली व्हेन यू विल लर्न दैट. सो लर्न ईच एनिमल sound at your homes and ready for your exams. Okay, so first animal is horse. Horse, तो अगर आपने animal sound learn की है तो आपको पता होगा कि horse इनमें से क्या करता है, trumpets, bark, knee, bleats. Horse क्या करता है, knee. तो we will match it with here, knee, like this. Okay, then goat, गुड, ट्रम्पेट्स, बाग, ब्लीड्स. अगर आपको लर्न है तो आपको पता होगा कि गुड की साउंड है वो ब्लीड्स, ठीक है. देन एलिफेंट, ट्रम्पेट्स, एलिफेंट, ट्रम्पेट्स. डॉग, बार्क. डॉग का आपको सबको पता है, डॉग जो है वो बार्क करता है. तो सो दिस इज योर फाइव क्वेश्चंस ऑफ रिवीजन. सो रिगार्डिंग regarding these questions, there will some questions in your question paper. So please learn describing words, action words, what are action words, what are describing words, how to use a, an or the, learn animal sounds, okay, and practice this type of words at home and make two different words from them. Okay, thank you and I have a good day.